डीजल का जो रेट है वो 1.83 यूरो का है, और जो पेट्रोल है वो 1.96 यूरो का लीटर है। इधर दोस्तों मैं इस वक्त इटली के एक पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे देखें आपको पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इटली में पेट्रोल पंप किस तरह के होते हैं, पेट्रोल का क्या रेट है, बंदा खुद भी डाल सकता है पेट्रोल अपनी गाड़ी में, बंदा भी होता है इधर सर्विस मैन, और उसके बाद पेट्रोल पंप में रात को कोई बंदा भी नहीं होता। ज़्यादातर पेट्रोल पंपों में बंदा खुद ही पेट्रोल डालता है और मशीन लगी होती है उसमें बंदा पैसे डाल के तो पेट्रोल डलवा सकता है, डाल सकता है। तो मैं भी प्राइस आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल के तो आपको सारा कुछ तरीकाकार इधर का बताऊँगा। एक और बात है, इधर ज़्यादातर जो इटली में पेट्रोल पंप है उनके पेट्रोल पंप के ऊपर ही सर्विस स्टेशन जो गाड़ी धोने छोड़ने का सिस्टम होता है वो होता है, ऑटोमेटिक और सेल्फ भी होता है, बंदा खुद भी अपनी गाड़ी धो सकता है, ऑटोमेटिक मशीनें भी पता है आजकल है, और उसके साथ साथ बंदे भी होते हैं इधर। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी छोटी सी एक वीडियो में मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँ। डीजल का जो रेट है वो 1.83 यूरो का है, और जो पेट्रोल है वो 1.96 यूरो का लीटर है। इधर मुख्तलिफ जो ब्रांड हैं कंपनीज़ हैं पेट्रोल की मतलब तेल वाली, वो उनका अपना अपना रेट है, तकरीबन 20 सेंट का फ़र्क होता है, 10-5 सेंट, कहीं 2 सेंट, कहीं 15 सेंट, इतना ही फ़र्क होता है। ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि 20 सेंट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इधर फिक्स प्राइस नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में फिक्स है ना प्राइस, इधर नहीं है, इधर अपनी मर्ज़ी है। अभी आगे एक पेट्रोल पंप था उधर, इससे भी महंगा थोड़ा लगा हुआ, तो इस तरह का ये सिस्टम है। इटली में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं चाहे कहीं भी हैं, गांव में हैं, पहाड़ों में हैं, शहरों में हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं, सही है, और लोग आके खुद पेट्रोल डालते हैं। वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, उसमें पैसे डाल के तो खुद पेट्रोल डालते हैं, ये नहीं है पेट्रोल डाल के कोई भाग जाए। इसकी वजह ये है कि इधर पता ही है हर गाड़ी जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और उसके बाद देखें कैमरे आपको नज़र आ रहे होंगे जगह जगह पेट्रोल पंप के ऊपर उन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप के अंदर इंटर करती है उसका नंबर शंबर हर चीज़ स्कैन हो जाती है, तो कोई बंदा भी भाग नहीं सकता इधर से। हाँ भाग जाएगा, पकड़ा ज़रूर जाएगा, 100% पकड़ा जाएगा, फिर उसको जुर्माना ज़रूर करते होंगे। तो मैं मशीन के सामने आ गया हूँ, ये ऊपर देख ले रेट एक दफ़ा, फिर 1.83 यूरो डीज़ल, फिर सुपर डीज़ल, फिर उसके बाद पेट्रोल का रेट है, ये सारा है। तो मैं खुद डालने लगा हूँ, वो सामने वाली जो मशीन है इसमें अगर मैं जाके गाड़ी खड़ी करूँगा तो अंदर से एक बंदा आएगा, वो सामने काफ़े बार है, उसके अंदर इसका मालिक बैठा हुआ है, तो वो आएगा वो डालेगा। जो खुद बंदा डालता है उसका रेट और है, और जो ये डाल के देते हैं उसका रेट 5-7 सेंट ज़्यादा या 10 सेंट ज़्यादा लेते हैं। तो मैं खुद डालूँगा, तो अभी मैं आपको बता दूं, ये देखें 6 नंबर मशीन है। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ये एक मशीन लगी हुई है पैसों वाली, इसमें मैं पैसे डाल के तो फिर अपनी मशीन सिलेक्ट करके तो फिर भी मैं डाल सकता हूँ, और वैसे भी इधर से मैं डाल के तो उधर काउंटर पे जाके आगे जो काफ़े बार हैं उधर जाके मैं पैसे अपने पे कर सकता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा इधर से डाल के पेट्रोल और काफ़े उधर जाके मैं पे कर दूंगा काफ़े वाली शॉप पे ना। तो ये मैंने ढक्कन उतार लिया है, अभी मैं अपना सिलेक्ट करूंगा, डीजल है मेरा तो मैं ये वाला डालूंगा। तो ऊपर मशीन के ऊपर भी सारा रेट लिखा होता है, क्या सिस्टम होता है। तो अभी जी बिस्मिल्लाह करते हैं, मैंने 50 यूरो का डालना है, ऊपर लीटर के लीटर और पैसे भी लिखे होते हैं सारा कुछ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ा ईजी है जनाब, पता ही आपको, ये देखें अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 हुए हैं। तो ये कोर्दनोना शहर है, उसके अंदर ये लगा हुआ है पेट्रोल पंप ना, इसके अंदर है मतलब ये पेट्रोल पंप ना। तो इधर मेरे ख्याल में इस पर सर्विस स्टेशन नहीं है, ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप होते हैं इधर उनमें सर्विस स्टेशन और ऑयल शॉयल चेंज करने वाला भी सिस्टम तकरीबन होता ही है। 16 यूरो का हो गया तेल, तो इधर बंदा अपनी गाड़ी के विंड भी साफ कर सकता है, दूसरा हवा शवा चेक कर सकता है फ्री में, अगर काम हो तो भर सकता है, इस तरह के छोटे मोटे काम पेट्रोल पंप पे बंदा कर सकता है जी। इधर भी सर्विस स्टेशन है, फिलहाल मेरे ख्याल में वो बंद है। मैंने टैंकी फुल करा ली है, मैंने पहले 50 का डलवाना था तो अब मैंने टैंकी फुल करा ली है, मेरे में डला जी 40 यूरो का, और पहले भी आया था और 40 का
40 लीटर डला है 73 यूरो का। तो ये मैं अंदर जाकर पे करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इधर रख दिया, अभी मैं अंदर जाता हूँ और मैं आप पैसे दे के तो आपको समझाता हूँ सारा तरीका क्या होता है। ये हो गया, अभी मैं पैसे देने जाऊँगा। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जो अगर मैं खुद डाल पैसे भी खुद मैं पे कर सकता था। ये वाली मशीन है, इसमें बंदा अपनी मर्ज़ी से पैसे भी डाल के, रात को इधर कोई बंदा नहीं होता, पेट्रोल बंदा डाल सकता है। ऊपर कैमरे शैमरे लगे हुए हैं, ये नहीं है कि बंदा पेट्रोल डाल के तो भाग जाए और पकड़ा ना जाए। इधर गाड़ी आती हैं, इस तरह आके पेट्रोल डालती हैं और इधर आके पैसे डालते हैं पहले, फिर पेट्रोल डालती हैं और आराम से जो है सफ़र करते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं अंदर जाऊंगा और पैसे पे करता हूँ। तो ये तकरीबन इस तरह के जो पेट्रोल पंप होते हैं उसके ऊपर ये काफ़ी बार भी बनी होती है। तो ये देखें, सुबह सुबह का अभी टाइम है, तो यूरो इनको दिया है, तो अभी ये मुझे वापस करेंगे। तो ये जी इसने 26 यूरो सेंड कर दी ग्रास से चाओ। तो ये देख ले जी, ये होता है सिस्टम, इधर बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करना है। आपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।